हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप में से जो लोग फॉरेन से पीएचडी करना चाहते हैं या जिनका सपना है कि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करे जहाँ पे उनको फॉरेन का भी एक्सपोजर मिले, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। आईआईटी दिल्ली और क्वींसलैंड का जॉइंट प्रोग्राम, जिसमें आप दोनों इंस्टीट्यूट से पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। और ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ टाइम आईआईटी दिल्ली में पीएचडी करनी पड़ेगी और कुछ टाइम आप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जाएंगे। तो यानी अपनी पीएचडी के दौरान आपको दोनों ही यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिलेगा। तो इसके फॉर्म आ चुके हैं, जिसके डेट आप देखेंगे ये 12 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और 16 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कैसे इसको अप्लाई करना है तो मैं दिखा देता हूँ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो जिनमें आप अगर इंडियन नेशनल है तो आप पहले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और अगर आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तो यानी जो ऑस्ट्रेलियन बच्चे हैं वो आईआईटी दिल्ली में आएंगे पीएचडी के दौरान, और जो इंडियन बच्चे हैं वो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जाएंगे। दिखा देता हूँ आपको अप्लाई में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आप सबसे पहले तो पहला स्टेप इसमें जो है फाइंड ए प्रोजेक्ट, यानी आपको प्रोजेक्ट फाइंड करना है कि आप किस प्रोजेक्ट में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं कि मतलब आपका किस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, या किस में आपने प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। सेकंड, एलिजिबिलिटी देखेंगे आपकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो मैं आपको मास्टर डिग्री इन साइंस में दिखा देता हूँ, क्योंकि जनरली जो हमारी मेन ऑडियंस है वो साइंस की है। तो आप देखेंगे अगर आपकी सी जी पी ए 6.5 है अगर 10 में पॉइंट स्केल में से, तो आप एलिजिबल हैं। साथ में अगर आपका गेट या यू जी सी नेट सी एस आर या डी एस टी इंस्पायर जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफेंसी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या है कि ये तब आपके लिए मान्य नहीं है अगर आपने सारी डिग्री इंग्लिश में ली है, और अगर आपने इंग्लिश में डिग्री नहीं ली है मतलब आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है, तो आपको आईलेस टॉफेल जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। थर्ड, आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में वही है कि आपको अकेडमिक सीवी चाहिए और अपनी सारी डिग्री आपको स्कैन कॉपी चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है तो वो चाहिए, और नहीं किया हुआ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब आईलेट टॉफल किया है तो वो चाहिए, और नहीं किया हुआ है तो फिर भी अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपने सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ एटलीस्ट टू रेफरी, आपको दो गाइड्स के रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, या ये कह सकते हैं दो गाइड्स जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे सके उनके कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, और जो भी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया चाहे नेट गेट उसकी एंट्रेंस कॉपी चाहिए, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आप डालना चाहते हैं और अपने पीएचडी फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आएंगे पर कुछ ही कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, या जो भी इनका आगे का प्रोसेस होगा वो करवाएंगे, और वो भी सिर्फ उनको जिनका उनको लगेगा कि हाँ उनके जो भी अकेडमिक्स वैल्यू है या जो भी एग्ज़ाम है या रिसर्च एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, और या जिनको उन्हें कंसिडर करना है। और या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें जहाँ पे कम कंपटीशन हो, तो आप इजीली भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी फोर्थ स्टेप है, आपको ईओआई सबमिट करना है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वही होता है कि आप को मतलब बताना है कि आप क्यों इस प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगी क्या आपको भरना है और क्या नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा और एक एग्ज़ाम होगा, तो अटेंड इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों आपको अटेंड करने हैं। तो उसके बाद आपको सुपरवाइज़र को भेजना है पहले तो ये इंटरेस्ट, और सुपरवाइज़र शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी, और कमेटी में आपकी एकेडमिक जॉइंट इंटरव्यू पैनल बैठेगा और वो इंटरव्यू भी लेगा, और क्या पता वो टेस्ट भी ले सकता है, दोनों ही चीज़ें आपकी होंगी। अच्छा देखिए, इंटरव्यूज में दो होंगे, एक तो आपका गाइड इंटरव्यू लेंगे जो दोनों ही जहाँ पे जिस भी प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किया था, दूसरा आपका एक जॉइंट पैनल इंटरव्यू लेगा, और अगर थर्ड अगर आपका बीच में टेस्ट होता है तो वो भी आपका टेस्ट होगा दोनों ही गाइड के इंटरव्यू के बाद। तो ये तीन प्रोसेस होंगे, उसके बाद लास्ट प्रोसेस यही है कि आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है अगर आपका हो जाता है तो। बाकी मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँ तो आपको फेलोशिप अगर कहीं लिखी है तो मैं फेलोशिप आपको दिखा देता हूँ कि स्कॉलरशिप ये रही कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी आपको। तो स्कॉलरशिप आप देख लीजिए, अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपको
अगर आप ये मान के चले 4 साल की आपकी पीएचडी है, तो पहले फर्स्ट मंथ से ही या फर्स्ट ईयर से ही आपको जो फेलोशिप है पर मंथ 41,000 मिलेगी। ईयर टू में आपको जो फेलोशिप है वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में तो जो आपकी फेलोशिप है वो लिखी हुई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 28,854। और ईयर थर्ड एंड फोर्थ जो आपको आईआईटी दिल्ली में दोबारा गुजारना है तो उसकी मंथली फेलोशिप होगी 45,000। तो ये चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी। और जो इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं उनके लिए भी जो ट्यूशन फीस होगी वो वेव ऑफ होगी, और बाकी आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो तो है ही। तो आप मैं यही कहूँगा ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आईआईटी दिल्ली से जुड़ने का भी और फॉरेन से भी पीएचडी करने का, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये भी घबराते हैं कि फॉरेन में पीएचडी मतलब वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो घर से दूर भी नहीं रहना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम तक मतलब रह नहीं सकते। तो आपको इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भर सकते हैं, और बाकी आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए और बाकी आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।